नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज की वीडियो में हम अपना लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट टॉपिक का लास्ट और फिफ्थ रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया है टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप उनको सॉल्व करेंगे, तब ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ। स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से, इसकी जो हेडिंग मैंने लिखी है वो ही है, उसको कॉपी करती हूं। इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाता है। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सपोज v1 v2 बिलोंग्स टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट। सपोज v1 v2 जो हैं वो दो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स c1 c2 बिलोंग्स टू f सच दैट C1 V1 plus C2 V2 is equal to 0, और हमारे पास में ये जो वैक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो कम से कम एक C1 या C2 में से ऐसा ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है। Ci is नॉन ज़ीरो फॉर सम i, कोई ना कोई दोनों में से एक ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हम दोनों कैटेगरीज ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में C1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया, C1 V1 is equal to minus of C2 V2 and V1 is equal to minus of C1 inverse C2 V2। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये पता है कि C1 जो है वो नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो है और वो फील्ड का एलिमेंट है, तो हमारे पास में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, C1 इन्वर्स इंटू C2 V2। हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं, C1 इनवर्स C2 V2। V1 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास में। और देखिए आप, C1 और C2 जो हैं वो F के एलिमेंट्स हैं, तो C1 इनवर्स C2 जो है वो भी F का एलिमेंट हो गया। तो C1 इनवर्स C2 बिलोंग्स टू F। तो हमारे पास में इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, V1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स V2, जहाँ पर हमारे पास में लैम्डा जो है वो क्या है, माइनस ऑफ C1 इनवर्स C2। आप यहाँ पर देख रहे हो V1 जो है वो लैम्डा टाइम्स V2 आ गया है, यानी कि V1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2। सिमिलरली If we take C2 is non-zero, suppose हम C2 को non-zero consider कर लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे, जब इन्हीं steps से हम repeat करेंगे तो हमें मिल जाएगा V2 is a scalar multiple of V1। तो हमारे पास में दोनों conditions में या तो V1 जो है वो scalar multiple of V2 आ रहा है, या V2 जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में अपना जो फिफ्थ और जो आखिरी रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड, और वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाएंगी जो अब तक प्रूफ किए गए रिजल्ट्स थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें,
और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.